ऑनरेबल मिनिस्टर, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और हमारे सारे सदस्यों को जिन्होंने इस महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण विधायक पर अपनी बात रखी। प्रताप बाजवा जी, सुरेश रेड्डी साहब, थंबी दुराय साहब, विजय साई रेड्डी साहब, रंजन भट्टाचार्य साहब, मनोज झा जी, श्री कुमार गुप्ता जी, जीके वासन जी, रामदास अठावले जी, हमारी सरकार की यही सोच और विचारधारा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में सफर करे, यही हमारी सरकार का लक्ष्य और हमारा संकल्प था, उसे हम साकार करने जा रहे हैं। हमारी सोच और विचारधारा है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। जब इस विधेयक को पारित हम लोग करेंगे तो छोटे छोटे शहरों में, जो अभी वासन साहब ने कहा, कई हमारे सांसद महोदय ने कहा, छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे, जहां बड़े बड़े शहरों में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपनी जिम्मेदारी निभाती है, वहीं छोटे शहरों में भी हम लोग निभाने जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की सोच और विचारधारा हम आगे लेंगे और हमारी सरकार की यही सोच विचारधारा है कि चुनौती में हम अवसर देखते हैं और विपक्ष अवसर में भी चुनौती देखता है, और केवल सदन में हंगामा तय करना ये इनका मकसद है। हमारे कई सदस्यों ने कुछ अच्छे सुझाव भी दिए हैं, उन्हें हम मद्देनजर रखेंगे। और मैं एक ही बात आपके द्वारा विपक्ष को कहना चाहता हूं, 70 साल में इन्होंने केवल 75 एयरपोर्ट बनाए और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 6 साल के अंदर 75 एयरपोर्ट को बढ़ाकर 136 बना दिया, तो हम लोगों ने डबल एयरपोर्ट की वृद्धि की है। और इस विधेयक के साथ हम यात्रा का प्रजातंत्रीकरण करेंगे, यात्रा का लोकतंत्रीकरण करेंगे, और जमीनी स्तर पर जहां जहां तक रेलवे पहुंचा है वहां वहां तक हम एयरपोर्ट को भी और हवाई यात्रा को भी पहुंचा के रखेंगे। हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा, मनोज झा जी ने मेरे अतीत को वर्तमान में इन्होंने बदल दिया, और मैं इनको यही कहना चाहता हूं कि मनोज झा जी अपने गिरिबान में जाके आपके महाराजा तो आपके विपक्ष के पार्टी के हैं, सरकार में जो सरकारी पैसा लेके निजी कॉलेज खरीदते हैं अपने संपत्तियों के, असली तो वो बन चुके हैं। गिरिबान में जाके फिर दूसरे की तरफ पत्थर फेंकेगा। हमारी सोच और विचारधारा है कि इस विधेयक के द्वारा जो छोटी छोटी कहानियां हैं दरभंगा की, बेलगांव की, झारसुगुड़ा उड़ीसा की, रूपसी आसाम की, जहां एक एक व्यक्ति हवाई जहाज की कल्पना नहीं कर सकता था, इन छोटे छोटे शहरों से 170 से 150 फ्लाइट्स हर हफ्ते आज निकलती हैं और आम जन को ये सुविधा प्राप्त की है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, ये महत्वाकांक्षी एक विधेयक है, इसके आधार पर देश में विकास प्रगति की एक नई नींव रखी जाएगी, इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। द क्वेश्चन इज दैट द एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 2021 एज पास बाय लोकसभा 2020 कंसीडरेशन 2 इन फेवर ऑफ